सब्सक्राइब कीजिए आयुर्वेदिक जीवन को और बेल आइकन को दबाइए वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, आयुर्वेदिक जीवन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पतंजलि लवण भास्कर चूर्ण के बारे में। खानपान में गड़बड़ी या पेट की किसी भी बीमारी के चलते हो रहे पेट की गड़बड़ी, पाचन संबंधी समस्या, इंडाइजेशन, गैस, ब्लोटिंग या कॉन्स्टिपेशन आदि बहुत सारे पेट के रोग के लिए यह चूर्ण इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं पतंजलि लवण भास्कर चूर्ण का कंप्लीट रिव्यू करूंगा और इसके फायदे लेने की सही विधि के बारे में भी बताऊंगा। तो आइए जानते हैं। दोस्तों, लवण भास्कर चूर्ण में बहुत सारे अलग अलग किस्म के लवण यानी नमक और आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ मिलाए गए हैं जो हमारे पाचन क्रिया को सुधारता है। इस चूर्ण में पाए जाने वाले जड़ी बूटी और तत्व हमारे लीवर की समस्या को दूर करता है और पेट की गड़बड़ी को भी ठीक करता है, जिसके कारण हमारा पाचन क्रिया अच्छा हो जाता है। इस चूर्ण के नियमित सेवन से इंडाइजेशन की समस्या पूरी तरह से दूर होती है और खाना अच्छे से हजम होने लगता है। ये चूर्ण इंडाइजेशन के कारण पेट में बने गैस और ब्लोटिंग को भी ठीक करता है। लवण भास्कर चूर्ण कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज की बीमारी में भी लाभकारी होता है। इसके सेवन से कब्ज की समस्या दूर होती है। ये चूर्ण हमारे पाचन क्रिया को ठीक करके सेहत में सुधार लाता है और स्फूर्ति देता है। दोस्तों, पतंजलि का लवण भास्कर चूर्ण कुछ इस तरह के पैक में आता है। देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह के प्लास्टिक के डब्बे में आता है लवण भास्कर चूर्ण। ये 100 ग्राम का पैक है और इसका प्राइस 65 रुपीज़ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है, और इसका वैलिडिटी 2 साल तक है। आप इसको 2 साल तक ले सकते हैं, ये 2 साल तक ख़राब नहीं होता। और इसकी लेने की विधि भी यहाँ पर दी गई है। डोजेस आप यहाँ पर देख सकते हैं, 2 से 5 ग्राम यानी 1 चम्मच लवण भास्कर चूर्ण आप दिन में 2 बार गर्म पानी के साथ ले सकते हैं। और ये कौन कौन सी बीमारी में इस्तेमाल होता है ये भी यहाँ पर दिया गया है। इंडिकेशंस यूजफुल इन डिस्पेप्सिया, कॉन्स्टिपेशन एंड अदर गैस्ट्रिक डिसऑर्डर। दोस्तों, आइए आप जानते हैं इस लवण भास्कर चूर्ण के डब्बे के अंदर इसका चूर्ण कैसा होता है, देखते हैं। देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस कुछ इस तरह का चूर्ण मिलता है। ये खाने में बहुत चटपटा और बहुत नमकीन होता है। ये खाने में स्वादिष्ट होता है और हमारे मुंह के टेस्ट को भी ठीक करता है। दोस्तों, ये चूर्ण थोड़ा ज़्यादा नमकीन होता है, इसीलिए हाई प्रेशर वाले लोग इसको लेने से पहले डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद रहा हो। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और मेरे इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।